दोस्तों, आपको टाटा के सॉफ्टवेयर या फिर टाटा का गरुड़ा, टाटा का वी कनेक्टर, टाटा का सेमटेक अगर या फिर टाटा मोटर का ट्रेनिंग, ये सब आपको लेना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही बात कर लें दोस्तों, टाटा एस गुड सीएनजी प्लस। जी हाँ दोस्तों, टाटा एस सीएनजी प्लस, टाटा एस सीएनजी प्लस मार्केट में नया आया है। जी हाँ दोस्तों, टाटा एस सीएनजी प्लस, आज मैं इसका फुल डिटेल और इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा फुल रिव्यू देने जा रहा हूँ। जी हाँ, सबसे पहले देखिए टाटा एस सीएनजी प्लस, कुछ ग्रीन कलर का इस तरह से लिखा हुआ आपको टाटा एस सीएनजी प्लस का लोगो मिलता है, दो चाबी मिलती है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों टाटा एस सीएनजी प्लस सब सेम फीचर से, बस थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। जी मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये सब आगे का बम्पर, आगे का शो, आगे का हेडलाइट जिस तरीके से है, रेडिएटर फैन वगैरह सब सब वैसे ही है, आप देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सब वैसे, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है टाटा मोटर ने। जी हाँ दोस्तों, ये बम्पर का ग्रिल, बम्पर ये दिख रहा है तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ये रिफ्लेक्टर है दोस्तों, बम्पर में दोनों साइड लगा होता है, ये रात के समय चलते हैं तो अगर इस पर प्रकाश पड़ती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इसका स्नॉर्कल इस साइड देता है, ये लीफ स्प्रिंग दिया हुआ है, फ्रंट सस्पेंशन दोस्तों, ये फ्रंट सस्पेंशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका फ्रंट सस्पेंशन दो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो दोस्तों टायर है वो R12 नंबर टायर है दोस्तों। जी हाँ देखिए ध्यान से, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ भी है, आपको मैं दिखा दूँ। जी ये R12 नंबर टायर लगा हुआ है दोस्तों, और उसके बाद इसका जो ये देख रहे हैं स्नॉर्कल दोस्तों, इस साइड दिया हुआ है को ड्राइवर साइड, इसीलिए आप समझ जाएंगे ये पेट्रोल गाड़ी है कि डीजल गाड़ी है, सीएनजी गाड़ी है, स्नॉर्कल से समझने का आसान तरीका है। जी हाँ दोस्तों, दूर से देख के, और ये देखिए दोस्तों इसका ये इंजन है। अगर दोस्तों आपको सीएनजी गाड़ी का इंजन ओवरव्यू चाहिए या फिर डीजल या पेट्रोल गाड़ी का सी इंजन का ओवरव्यू चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक एक पार्ट खुला हुआ मैं आपको दिखाऊंगा इंजन का। जी हाँ दोस्तों, ये इसका गैस का टैंक है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 6-6 लीटर का दो टैंक को लगा होता है, पर इसमें थोड़ा सा लिक्विड भी होता है इसीलिए इतना ज़्यादा गैस इसमें आ नहीं पाता। 12 kg का टैंक दिया होता है पर 12 kg गैस नहीं आते, इसमें 8 से 10 kg गैस इस तरीके से आते हैं। यहाँ से आप गैस फिलर नोजल है, ये यहाँ से प्रेस करके दबाया जाता है पुल करके की। जी हाँ, ये दोस्तों इसकी बॉडी है, इसका जो बॉडी है दोस्तों 8.2 फिट एंड 610 kg इसका पेलोड पासिंग है। ये देख रहे हैं आपको एक स्पेयर व्हील भी मिलता है, और इसमें भी सेम आर पास मास्टर सेंसर लगा हुआ है, इसका रिवर्स लाइट दोस्तों अलग से दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसी में नहीं दिया हुआ है, जैसे कैसा है डीजल गाड़ियों में उसी में दिया होता है, पर ऐसा नहीं है, इसमें अलग से दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए इसका, अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, गाड़ी के अंदर घुमाता हूँ दोस्तों, पूरा आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हुए, क्या चेंजेस है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये एक ग्लास ऊपर नीचे करने के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये गेट ओपन करने के लिए, ये गेट लॉक करने के लिए कुछ इस तरीके से प्रेस लॉक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये हैंडल है पकड़ने के लिए, इसे पकड़ के आप गेट खुल बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए इसका बटन, इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है, जैसे डीजल गाड़ियों में दो बटन दिया रहता है, यहाँ पे USB चार्जर का है, ये देखिए ध्यान से। अब मैं इसमें चाबी लगाऊंगा, चाबी ऑन करूँ दोस्तों। अब मैं इसका प्राइस आपको बता दूँ दोस्तों, इसका प्राइस 5.5 लाख रुपये है। जी हाँ दोस्तों, 5.5 लाख रुपये है ये दोस्तों, अगर आप हेडलाइट सेटिंग करने का ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है, ये ब्रेक ऑयल का है दोस्तों, आपको सब सब चीज़ में आपको एक एक बता दे रहा हूँ, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ये बीच का मिरर है दोस्तों, ये कभी इन फ्यूचर अगर आग लग जाती तो ये इससे आप आग आसानी से बुझा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएनजी गाड़ियों में ये देता है, ये प्रेस करने पे सीट फोल्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेस करने पे सीट फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेफ्टी सीट बेल्ट है। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी सीट बेल्ट। अब मैं बात करूँ ग्रॉस ग्रॉस व्हीकल वेट की दोस्तों, इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 1630 kg है। जी हाँ दोस्तों, 1630 kg, और ग्राउंड क्लियरनेस इसकी मैं बात करूँ तो 160 mm है, ये गाड़ी का हैंड ब्रेक है। जी हाँ दोस्तों, और इसका मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ, 51 न्यूटन मीटर एच 2500 RPM के साथ आपको ये टाटा एस गोल्ड सीएनजी प्लस मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों मैं इसके लेंथ की बात करूँ, इसका टोटल लेंथ है इस यहाँ पे, अगर आप कुछ भी सामान रखना चाहें तो रख के लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सामान यहाँ पे रख के आप आसानी से लॉक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आप गाड़ी पहले दोस्तों पूरा अंदर से देख लीजिए, आप
अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपने गाड़ी पूरा अंदर से देख लिया और समझ लिया होगा। ये इसका फ्यूज बॉक्स यहाँ दिया होता है, यहाँ पे कूलेंट टैंक के जस्ट बगल में फ्यूज बॉक्स दिया होता है, यहाँ से कूलेंट फिलअप करते हैं। अगर दोस्तों आप डेली गाड़ी चालू करने से पहले कूलेंट, इसका इंजन ऑयल और इसका, हाँ इंजन और कूलेंट और हवा, ये दो तीन चीज़ आपको डेली चेक करना है दोस्तों। ये देखिए एयर फिल्टर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एयर फिल्टर किस तरीके से क्लीन करना है ये आपको सब सब चीज़ लिखा होता है। आप अगर मैनुअल देख के करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों इसका दोस्तों प्राइस मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस व्हीकल वेट भी मैंने बात कर, इसका जो टर्निंग साइकिल है वो 4625 mm है दोस्तों। अगर ये कितने कम से कम जगह इसे टर्न करने में लगेगा, जो 46625 mm का जगह लगेगा। जो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी मालूम पड़ सके टाटा एस गोल्ड CNG+ का। वीडियो पूरा देखने के लिए